नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर की 285 जॉब्स आई हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। टुडे विल डिस्कस अबाउट द 285 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्वायरमेंटल साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ देम and there are many more subjects. The last day for application is 31st of March, so please look at this entire video very carefully. So here it is, filling up the post of assistant professor in different disciplines in government degree colleges of Jammu and Kashmir in higher education department. Now, note this most important thing, the application form together with instructions for filling up application form will be available at the website of the commission from 3/3/2023, मतलब 3 मार्च से, मतलब कल सुबह से। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का दे दूंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द फॉर द पोस्ट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपडेट देयर ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 31/3/2023, 31 मार्च को एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड्स एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का मामला है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 31 मार्च होगी, उस दिन से डोमिसाइल का हिसाब किताब जोड़ा जाएगा। इस बारे में मुझे लिमिटेड पता है, पर क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर है तो जो डोमिसाइल से संबंधित जिनका मामला है वो खुद जानते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विल हाउएवर बी रेकन्ड विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023। और जो मिनिमम मैक्सिमम एज होगी, जो 25 साल, 30 साल या 35 साल जो भी एज लिमिट दी होगी, वो 1 जनवरी 2023 की तारीख तक की होगी। कैंडिडेट्स की 1 जनवरी 2023 तक आपकी कितनी एज थी उस हिसाब से। Candidates can edit some of the fields in their online application form from 1/4/2023 to 3/4/2023. और 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 अप्रैल 2023 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जैसा कि यूजीसी नेट में होता है, यहाँ भी वो लोग आपको मौका देंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू द कमीशन। और आप सिर्फ फॉर्म भरिए, ईमानदारी से फॉर्म भरिए, हार्ड कॉपी जमा मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो फॉर्म ही ईमानदारी से भरा जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में कोई गलती होगी तो प्लेसमेंट के वक्त जब नौकरी मिलने का टाइम आएगा, और अगर फॉर्म में कुछ गलती निकली तो आपकी नौकरी निरस्त हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन और इनएबिलिटी टू पे फी और फेलियर टू लॉग इन टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज। और जब एंड डेट आने लगती है, जब लास्ट डेट आने लगती है, तो वेबसाइट पर सब लोग एक साथ लॉग इन करना शुरू कर देते हैं, और उस चक्कर में वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती, और कभी किसी का एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता, कभी कोई फीस जमा नहीं कर पाता। इसलिए कहा जा रहा है कि लास्ट डेट के लिए इंतजार मत कीजिएगा, पहले ही भर दीजिएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट देख लेते हैं। पे बैंड है ₹15,600 से ₹29,100 प्लस AGP ₹6,000 लेवल 10। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में 6 है, OM है, RBA 2, SC 1, Scheduled Tribe 1, Economically Weaker Section 1, ALC IB 1 और PSP 1। इन सबके फुल फॉर्म्स मुझे सबके नहीं पता। टोटल पोस्ट है 13। फंक्शनल इंग्लिश में 4 पोस्ट हैं, 2 OM, 1 RBA, 1 Scheduled Cast। इंग्लिश लिटरेचर में 1 पोस्ट है और वो OM है। फिजिक्स में 1 पोस्ट है और वो OM है। केमिस्ट्री में 6 पोस्ट OM, 1 RBA, 1 Scheduled Cast, 1 Scheduled Tribe, 1 Economically Weaker Section और 1 ALC, टोटल 11 पोस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री में 6 OM, सॉरी 1 RBA, 1 Scheduled Cast, 1 Economically Weaker Section, 1 ALC और 1 टोटल 11 पोस्ट हैं। बॉटनी में 2 OM, 1 RBA, 1 Scheduled Cast, टोटल 4 पोस्ट हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस 8 पोस्ट, 2 RBA, 2 Scheduled Cast, 2 Scheduled Tribe, 1 Economically Weaker Section, 1 ALC, 1 PSP, 1 SLC, टोटल 18 पोस्ट हैं। ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं। 2 OM है उसमें, ठीक है, और 1 RBA है, 1 Scheduled Cast, और फिर 4 पोस्ट है टोटल। फूड साइंस में 1 OM है और एक ही पोस्ट है। फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में 7 OM, 2 RBA, 2 RBA, 2 SC, 1 Scheduled Tribe, 1 Economically Weaker Section, 1 ALC, 1 PSP, टोटल 15 पोस्ट।
फिशरीज में एक पोस्ट है और वो वन पोस्ट ओएम है। पॉलिटिकल साइंस में 13 पोस्ट ओएम, 3 RBA, 2 शेड्यूल कास्ट, 3 शेड्यूल ट्राइब, 2 इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन, 1 ALC, 1 PSP, 1 SLC और टोटल 26 पोस्ट है। पंजाबी में 6 OM, 1 RBA, 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब, 1 इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन और 1 ALC, टोटल 11 पोस्ट है। संस्कृत में 1 OM, 1 RBA और टोटल 2 पोस्ट है। फिर नंबर आता है डोगरी का। डोगरी में 3 OM है और 1 RBA है, 1 शेड्यूल कास्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। होम साइंस में 1 OM है, 1 RBA है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है OM RBA। जो जियोलॉजी में 1 पोस्ट है वो OM है। म्यूजिक में 6 OM, 2 RBA, 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 1 ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ALC भी 1 पोस्ट है। म्यूजिक में टोटल 12 पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री में 1 OM और 1 RBA, टोटल 2 पोस्ट है। आरबीए आरबीए लिखा हुआ। इन्वायरमेंटल साइंस में 7 OM है, 2 RBA, 2 शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और फिर शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1-1 पोस्ट है और फिर ALC की भी 1 पोस्ट है इन्वायरमेंटल साइंस में। और ये जो 1 पोस्ट है ये है PSP की। तो इन्वायरमेंटल साइंस में मल्टीपल पोस्ट हैं और टोटल 15 पोस्ट हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, तो प्लीज अप्लाई कीजिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में। ज्योग्राफी में अलग अलग कैटेगरीज में 8 पोस्ट है। एजुकेशन में अलग अलग कैटेगरीज में 6 पोस्ट है। हिंदी में अलग अलग कैटेगरीज में टोटल 12 पोस्ट है। उर्दू में टोटल 15 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में 14 पोस्ट, हिस्ट्री में 10, फिलोसफी में 5, सोशियोलॉजी में 26, इस्लामिक स्टडीज में 5, सेरिकल्चर में 1, टूर एंड ट्रेवल में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 1, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3 पोस्ट, BBA और MBA एंड मैनेजमेंट 5 पोस्ट, टोटल 285 पोस्ट। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 50% एक्सक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। और कैटेगरीज PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, उनको भी 50% मार्क्स में एडमिशन यहाँ पे एलिजिबल है। और एन इक्विवेलेंट ग्रेडिंग पॉइंट स्केल वे ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द मास्टर्स डिग्री लेवल इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। देन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट सेट स्लेट सेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीएसआईआर AIU। द कैंडिडेट्स हु आर और हैव नॉट बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन Minimum standards and procedures for the award of PhD degree, Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET SLET or SET. NET SLET or SET shall also not be required for such master's programs in discipline for which NET SLET or SET is not conducted. For music, good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks and 50% for category, and the same category candidate must have cleared NET SET or SLET, NET SLET or SET. SET. और सेम ट्रेडिशन सेम रूल्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर BBA और MBA के लिए भी रूल्स हैं। आई स्क्रॉल स्क्रॉल द वीडियो स्लोली, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट योर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर फॉर योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्या है आप इस वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं आपको खोल के दिखा भी दूंगी, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जब आप इसको क्लिक करेगा व्हाट्स न्यू के नीचे, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप पे या सिस्टम पे और फिर ये अपने आप खुल जाएगा। और यही डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जिसको देख के और आपको भरना है। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है और बस इतना ही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज डू अप्लाई इफ यू रियली वांट टू वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। अब फिर से जन्नत हो गया है, बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में अब सब लोग जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, सभी रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, फ्री लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड प्रिपरेशन ऑफ UGC नेट।
एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.